चलिए नाउ लेट्स बिगिन ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स इट्स इन मॉड्यूल 3 स्टिल आई कैन हेयर द वॉइस मॉड्यूल 3 पेपर 8 राइट नाउ पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस मॉड्यूल के बारे में तो आपका ड्राफ्टिंग वाला जो मॉड्यूल है दैट इज मॉड्यूल 3 उसमें आपके दो और कौन से पेपर है एक तो टैक्स है और एक कौन सा है ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर हम बाकी दो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं एक्सेप्ट ड्राफ्टिंग टैक्स और ओबीई दैट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन दोनों के बारे में हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अनलेस यू सिट इन द एग्जाम्स और एग्जाम देने के बाद ही आप बता पाओगे कि आपका पेपर अच्छा गया है या नहीं इंक्लूडिंग टैक्स बिकॉज टैक्स के कौन से प्रोविजन आपसे पूछ ले कितना भी यहाँ पढ़ लो पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती ही है कि जो छूटी जाती है टैक्स इज सो वाइड सब्जेक्ट राइट सो ड्राफ्टिंग थर्ड मॉड्यूल में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर भी करवा सकता है और आपका मॉड्यूल निकलवा भी सकता है नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस पे कितना कॉन्सेंट्रेट करते हो क्योंकि ड्राफ्टिंग इज लाइक एन आर्ट इट कैन बी कंपेयर्ड विद ड्रॉइंग ठीक है लाइक हम जब फिफ्थ या सिक्स में होते हैं एक छोटी सी अच्छी सी ड्रॉइंग बना लेते हैं बट कंटिन्यू विद इट फॉर 12th स्टैंडर्ड तक आके हम काफी अच्छी बना पाते हैं सिमिलरली ड्राफ्टिंग कैन बी कंपेयर्ड विद दी ड्रॉइंग उसमें क्या होता है कि आप जितनी ड्राफ्टिंग करोगे टीचर कैन ओनली असिस्ट यू विद दी हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स आई कैन टेल यू दी फॉर्मेट आई कैन टेल यू 2 or 3 ड्राफ्ट ऑफ ईच चैप्टर बट हाउएवर इफ इट कंटेन्स एन नंबर ऑफ ड्राफ्ट मैं सारे नहीं बता पाऊंगी एंड उसमें लर्न करने का कुछ नहीं यू ओनली हैव टू लर्न दी अप्रोच कि कैसे ड्राफ्ट बनाने उसके बाद प्रैक्टिस ही मैटर करती है एंड माइंड यू दिस सब्जेक्ट कैन इजीली गिव यू 70 to 79 मार्क्स के बीच में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई है तो आई गॉट 77 मार्क्स बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मेरा सीएस की मतलब एज असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी आई वाज वर्किंग तो आई हैड ह्यूज प्रैक्टिस फॉर ड्राफ्टिंग तो मेरे को वो सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ी एक्सेप्ट थ्योरी पार्ट और आई गॉट 77 मार्क्स तो 70 to 79 मार्क्स आपको इसमें इजिली मिल सकते हैं प्रोवाइडेड ये आपको हेल्प करेंगे ग्रुप निकलवाने में क्योंकि टैक्स में आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ओपन बुक एग्जामिनेशन इज ऑल्सो अ टफेस्ट एग्जामिनेशन पर चीटिंग करके पेपर देना इज नॉट वेरी इजी क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं इट्स लाइक केस स्टडीज एंड ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आप बुक में ढूंढोगे भी ना तो ये आपको इजीली नहीं मिलेंगे तो आई रिक्वेस्ट फॉर दीज 10 चैप्टर्स इट कंटेन्स 10 चैप्टर्स आई रिक्वेस्ट कि आप इन 10 चैप्टर्स के लिए कॉन्सेंट्रेट करो क्लास में आओ प्रैक्टिस हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे पर हर क्लास में आपको अप्रोच बताई जाती है हर चैप्टर में से आपको 2 या 3 ड्राफ्ट्स बताऊंगी अपार्ट फ्रॉम थ्योरी और बाकी अगर 5 to 6 और बचे हैं उसमें एग्रीमेंट्स वो आप एक बार घर से देख के आओ कोई डाउट्स है हम डाउट्स डिस्कस कर देंगे क्लियर हुआ चालू करें नाउ अभी देखो ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स में चैप्टर्स तो कितने हैं टोटल 10 चैप्टर्स हैं और हम इस मॉड्यूल को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में राइट पार्ट 1 इज फॉर व्हाट ड्राफ्टिंग इटसेल्फ पार्ट 2 इज फॉर प्लीडिंग्स एंड पार्ट 3 इज फॉर अपीयरेंसेस ठीक है अगर हम सब्जेक्ट को प्लान करें तो इस तरह से करना है ड्राफ्टिंग में चैप्टर 1 से लेके मॉड्यूल के चैप्टर 7 तक ड्राफ्टिंग ही है चैप्टर 1 से चैप्टर 7 लाइक फर्स्ट चैप्टर इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग सेकेंड से आपके अग्रीमेंट्स वगैरह डीड्स वगैरह चालू होते हैं तो फर्स्ट में तो हमको यही सीखना है कि ड्राफ्ट करते कैसे ठीक है चैप्टर 1 to चैप्टर 7 इसमें चैप्टर 1 तो कंप्लीटली थ्योरी है उसमें आपको इन इटसेल्फ ये चैप्टर होने के बाद 9 to 10 मार्क्स का आता है आई ट्राई कि ये चैप्टर आज हो जाए नहीं भी होता तो नेक्स्ट क्लास में फॉर श्योर हो जाएगा अकेले इस चैप्टर में से आपके 9 to 10 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है क्लियर है क्योंकि बाकी 6 चैप्टर्स आर लाइक टू ड्राफ्ट मतलब मोर ऑफ ड्राफ्टिंग है उसमें लेस ऑफ थ्योरी है चैप्टर 8 प्लीडिंग्स का है एंड चैप्टर 9 इज फॉर अपीयरेंसेस एंड 10 आपका जो है वो कंपाउंडिंग का है ठीक है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस ये आपका पूरा प्लानिंग है इसमें ठीक है ये लास्ट के 3 चैप्टर्स इतने टाइम नहीं लेते क्योंकि काफी शॉर्ट हैं बट ये अगर आपका हो गया तो मेजॉरिटी पार्ट हो गया क्योंकि इसमें से ही आपका ज्यादा आता है ठीक है क्वेश्चन पेपर की डिजाइन इज अगेन अ डिस्क्रिशनरी पावर विद द इंस्टीट्यूट हाउएवर वी टॉक अबाउट वेल स्टडी मैंने जो किया लास्ट एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का तो उसमें मुझे ये समझ आया कि थ्योरी प्लस आपका रहता है प्रैक्टिकल ठीक है प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग पार्ट जो रहता है थ्योरी 45 to 55 मार्क्स की आ रही है अभी लास्ट 5 to 6 अटेम्प्ट्स में एंड प्रैक्टिकल जो भी आपका बैलेंस रहेगा वो पर कल को अगर 65 मार्क्स की प्रैक्टिकल आपसे पूछ लिया कि अग्रीमेंट ड्राफ्ट करो या ड्राफ्ट करो तो आप ये नहीं बोल सकते कि निधि मैम ने नहीं बोला था क्यों क्योंकि इसमें कोई उन्हें मॉड्यूल में कहीं नहीं लिखा कि वो कितने का ड्राफ्ट पूछेंगे और कितने का
थ्योरी पूछेंगे, पर अपना जो अभी तक का बेसिस रहा है वो यही रहा है कि थ्योरी आती है 40-45 मार्क्स की और बाकी बैलेंस का कितना क्या क्या आता है, आपका ड्राफ्ट करने का मटेरियल आता है। क्लियर हुआ? नाउ फर्स्ट पार्ट में जो ड्राफ्टिंग है, इसमें हमने को क्या क्या देखना है कि ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, एक ड्राफ्ट्समैन को क्या प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट करना चाहिए, ठीक है, फॉलोअर्स 5 रूल्स जो आज हम चालू करेंगे, प्लस एक पूरा स्केलेटन ड्रॉ करेंगे कि अग्रीमेंट का ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है। लाइक हमें मान लो आपको मैंने बोला कि ये लो हाउस प्रॉपर्टी सेल करना है तो सेल डीड बनाई है मैंने, तो वो चीज मुझे बड़े अच्छे से समझ आएगी कौन सी चीज क्या है क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है। आज ये वाली क्लास अटेंड करने के बाद आपको भी समझ जाएगा कि ठीक है ये नॉन ऑपरेटिव पार्ट होता है, ये ऑपरेटिव पार्ट होता है, ये फॉर्मल पार्ट होता है, एंड इट इज वेरी इजी टू मेक प्रोवाइडेड यू डू दी प्रैक्टिस। ये हम चैप्टर 1 में सीखेंगे। उसके बाद हम अग्रीमेंट्स देखेंगे, लाइक ट्रस्ट डीड क्या होती है, गिफ्ट डीड नेक्स्ट चैप्टर्स में, 2nd to chapter 7 तक ट्रस्ट डीड, गिफ्ट डीड, आपका मॉर्गेज डीड, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज डीड्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद मेमोरेंडम कैसे बनता है, विल कैसे बनती है, ये सारे आपके आगे के चैप्टर्स में चालू होंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपका प्लीडिंग्स में आपका प्लेंट, आपके रिटर्न स्टेटमेंट, आपने सुना है जनरल लॉज में, आपने पढ़ा भी है एग्जीक्यूटिव में, प्लेंट, प्लेंटिफ, ठीक है। डिफेंडेंट क्या फाइल करता है, डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, पता है ना। अगर मेरे को प्लेंटिफ हूं मैं तो मैं क्या फाइल करूंगी, केस फाइल करूंगी, दैट इज प्लेंट बनाऊंगी। इस पे फाइल किया तो ये डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट अपना क्या फाइल करता है कि मैंने इस पे जो कंप्लेंट्स दी है उसका ये रिप्लाई देगा, उसको बोला जाता था जनरल लॉज में पढ़ा है उसको क्या बोला जाता था, रिटर्न स्टेटमेंट। अब इसने काउंटर एलिगेशन मेरे पे लगाए, मेरे को वापस से उसको प्रूफ करना है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, या इसने ये बोला है गलत बोला है, ये पॉइंट सही बोला है। तो फर्स्ट होता है कि प्लेंटिफ ने क्या फाइल करा, प्लेंट, राइट, और किस पे फाइल किया, डिफेंडेंट पे। डिफेंडेंट से जवाब मांगा गया तो उसने क्या बना के दिया, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट जब इसने एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लगाए मेरे पे तो मुझसे वापस पूछा गया तो मैं क्या फाइल करती हूँ, उसको बोलते हैं रिजॉइंडर। पढ़ा है ऐसा कुछ, ये सब पढ़ा है जनरल लॉज में। तो ये आपका ये वाला पार्ट किस में आएगा, पूरा प्लीडिंग्स में। क्लियर है? अपीयरेंसेस में अपन ये पढ़ेंगे कि हम आप जैसे प्रोफेशनल्स, लाइक यू विल बी अपकमिंग प्रोफेशनल्स नाउ कंपनी सेक्रेटरीज, तो सीए सीएस, ठीक है, आपके लॉयर्स, जुडिशियल बॉडी एंड काजी जुडिशियल बॉडी के सामने कैसे अपियर होते हैं, ये सब कहाँ कहाँ अपियर हो सकते हैं, कौन से चीजों में वो अपने केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनसीएलटी के सामने अभी आपके सामने एक बड़ा अच्छा स्कोप खुला है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने भी आप अपने केसेस को क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ये सब अपन कौन से उसमें पढ़ेंगे, अपीयरेंसेज में, एंड लास्ट विल बी योर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है? चालू करें अब अपन। नाउ अब अपन बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। तो मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग इज लाइक इट्स एन आर्ट, ओके। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब ड्राफ्टिंग आप आज से नहीं करोगे, आप स्कूल टाइम से करते आए। लाइक जब हम स्कूल में थे, थर्ड क्लास में, थर्ड स्टैंडर्ड में, आई वाज नॉट वेल, मैंने एक लीव एप्लीकेशन लिखी और मैंने प्रिंसिपल को, इट इज अ ड्राफ्टिंग। इन जनरल सेंस हम क्या कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग। कई बार मेरी फ्रेंड लेके आती थी, यार मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, मम्मी पापा ने एप्लीकेशन दी, बड़ी सुंदर लिखी यार, किसने लिखी, पापा ने लिखी, मतलब उनकी क्या अच्छी होगी, ड्राफ्टिंग। तो इन जनरल सेंस ड्राफ्टिंग इज नथिंग न्यू फॉर अस, ड्राफ्टिंग हम आज से नहीं, काफी चाइल्डहुड से करते आए हैं। पर आज फिर हम क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपने प्रोफेशनल्स के लिए, सीएस में स्पेशली, दैट इज वी विल लर्न अबाउट ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। अपने प्रोफेशन में अपने को इस सब्जेक्ट में क्या सीखना है, आर्ट ऑफ मेकिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। एंड दिस सब्जेक्ट स्पेशली मेक्स यू यूनिक फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज उनको ये बिल्कुल भी आता नहीं, नाइदर इट इज इन देयर पार्ट ऑफ सिलेबस। मोर ओवर अगर ड्राफ्टिंग की बात करें तो उनको बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट में कमांड होता ही नहीं। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? इट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस सब्जेक्ट, अपने जो सब्जेक्ट है ना, अब अपने को लीगल डॉक्यूमेंटेशन सीखना है। अगर बुक की बात करें तो ड्राफ्टिंग की एक सिंपल सी लैंग्वेज क्या लिखी है, सिंथेसिस ऑफ लॉ प्लस फैक्ट्स इन अ लैंग्वेज फॉर्म, ठीक है। अब हम आते हैं बुक की डेफिनेशन पे। उनने बोला व्हाट इज ड्राफ्टिंग, सो ड्राफ्टिंग इज
synthesis of law and facts in which form? Language form. अब ध्यान से देखते हैं, law मतलब क्या? अभी तक आप जो पढ़ते आए, आपने executive में चार subjects law के पढ़े, चार या पांच, आप professional में भी advanced company law पढ़ रहे हो, और भी थोड़ा बहुत बचा हुआ law आप अभी भी खत्म कर दोगे. अब law तो आपने सारा पढ़ लिया, उस law को लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखना है? क्योंकि देखो, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज लिखेंगे तो ये मैं समझ जाऊंगी, आप समझ जाओगे, पर एग्रीमेंट जरूरी नहीं ना. कंपनी सेक्रेटरी ही देखते हैं. आज मेरे को घर खरीदना है किसी से, वो बंदा एक बिजनेसमैन है, 12th पास है, तो एग्रीमेंट तो उसको भी समझ आना चाहिए. तो लॉ को ऐसी कौन सी लैंग्वेज में लिखें सो दैट इट शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय अदर्स, बाय लेमैन, दैट इज ड्राफ्टिंग. सो ड्राफ्टिंग इज सिंथेसिस ऑफ लॉ. लॉ मतलब लीगल प्रोविजंस को कौन सी फॉर्म में लिखना है आपको? लैंग्वेज फॉर्म में, टेक्निकल फॉर्म में नहीं. कौन से फॉर्म में? लैंग्वेज फॉर्म. तो ड्राफ्टिंग के लिए दो चीजें जरूरी, एक तो लॉ और दूसरा मैंने क्या लिखा? फैक्ट्स. एग्जाम्पल, आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एनी ऑफ माई क्लाइंट केम टू मी एंड सेड, मैडम हमें एक घर फ्लैट ले रहे हैं, तो बिल्डर ने ये सेल डीड दी है, आप देख लो एक बार. ठीक है, देख लो मतलब मैंने, नहीं ठीक है ये पॉइंट सही नहीं है चेंज करा देना, ये पॉइंट भी सही नहीं है ये आप क्या करा देना चेंज करा देना. फिर मैंने ठीक है उससे बोलो कि मैं बना के देती हूँ उसको एक सेल डीड, वो देखे. तो बोले ठीक है मैडम आपको क्या क्या चाहिए? मैंने कहा किससे खरीद रहे हो उसकी डिटेल, कहाँ पे है प्रॉपर्टी उसकी डिटेल, ये सब क्या होता है? फैक्ट्स. ठीक है, मतलब मैंने क्या क्या मांगा? उसने बोला मेरे को आप क्या बना के दो? नई सेल डीड बना के दो. सेल डीड किसकी बनानी है? घर खरीदने की. घर खरीदने में कौन सा एक्ट मेन लगेगा आपका? कौन सा लगेगा? ट्रांसफर. मेन तो कौन सा लगेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मुझे पता होना चाहिए, येस और नो, उसके प्रोविजंस मुझे पता होने चाहिए, दैट इज लॉ. ये क्या हो गया? लॉ. अच्छा, उसके बाद वो किससे खरीद रहा है, वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, ठीक है, कितने की ले रहा है, ये सब क्या हो गया, ये मुझे वो बताएगा. दैट इज, ये फैक्ट्स किससे पता चलते हैं? जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने वाले हो. समझ आया? तो ड्राफ्टिंग में क्या पता होना चाहिए एक ड्राफ्टमैन को जिसको ड्राफ्ट करना है? एक तो लॉ, वो तो उसको खुद को पता होना चाहिए क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो बुक में से देखे, कुछ भी करे, पर वो उसको पता होना चाहिए. और फैक्ट्स कौन बताता है? जिसके लिए वो चीज ड्राफ्ट करने जा रहा है. आप रिलायंस में कंपनी सेक्रेटरी हैं, रिलायंस में आपको आपके बॉस ने बोला कि यार अपन एक कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, तो टेक ओवर अग्रीमेंट बनाओ. तो टेक ओवर अग्रीमेंट बनाना है तो कौन सी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, कहाँ है, कितने में कर रहे हैं, ये फैक्ट्स आपको आपका बॉस बताएगा. पर टेक ओवर कोड के जो प्रोविजन लगेंगे वो आपको पता होना चाहिए. और वो दोनों जब आपको पता हो गए, अब आप उसको सिंपल लैंग्वेज में जब लिखोगे वो कहलाता है क्या? ड्राफ्टिंग. आया समझ में? सो इट इज सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स. मतलब ड्राफ्टिंग करने में यू कैन से, यू कैन ऑल्सो से इट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ नॉलेज. नॉलेज किसका? लॉ का. और किसका? फैक्ट्स का. और एक और चीज किस, क्या अच्छी होनी चाहिए आपकी? लैंग्वेज. ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आपके पास है, नॉलेज ऑफ लॉ, फैक्ट्स एंड लैंग्वेज, तो यू कैन बी अ गुड ड्राफ्ट्समैन प्रोवाइडेड यू डू ह्यूज प्रैक्टिस. आर्टिकलशिप में आपको क्या होता है? फर्स्ट डे व्हेन यू गो, आपको लगता है रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, कीप दैट रेजोल्यूशन फॉर 15 मंथ्स. एंड लास्ट डे व्हेन यू लीव फ्रॉम दिस आर्टिकलशिप, आपकी जब ओवर होती है, उस दिन बनाया हुआ रेजोल्यूशन और फर्स्ट डे बनाया हुआ रेजोल्यूशन में देखना कितना अंतर देखेगा. इट इज वॉट? प्रैक्टिस की. फर्स्ट डे का रेजोल्यूशन आपको जब आपका बॉस बोलता है तो क्या बोलता है? पहले रफ में बना के लेके आओ. चार बार आपको भेजेगा, नहीं रीड्राफ्ट करो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. फिर आप वो सही करके लाते, नहीं अभी भी मजा नहीं आ रहा, ये गलत है. मतलब यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. चार बार आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. पर जब 15 मंथ्स के बाद निकलते हो तो वही रेजोल्यूशन आप इतना अच्छा ड्राफ्ट करते हो कि आप अपना फर्स्ट रेजोल्यूशन जब कंपेयर करोगे ना तो समझ आएगा कि यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. दिस इज ड्राफ्ट. क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? समझ आया ड्राफ्टिंग का मीनिंग? चलो, अब एक और टर्म इसमें यूज करी जाती है एंड दैट इज, ये रब कर दूं मैं, एक और टर्म इसमें यूज करी जाती है, दैट इज कन्विंसिंग. व्हाट इज कन्विंसिंग? देखो, कन्विंसिंग मींस, आपने ये वर्ड सुना भी है, कहां सुना है, कौन सी स्टेज में? फाउंडेशन में.
बताओ अरे कन्विंसिंग कुछ याद आ रहा है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस में टोपा पढ़ा है कन्विंस मतलब क्या मैंने ही पढ़ाया तुम्हें कन्विंस मैंने ही पढ़ाया ना तुम्हें कन्विंस मतलब क्या जब इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और को क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं तो इन शॉर्ट कन्विंसिंग मीन्स जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या उसमें राइट्स जो हैं वो या इंटरेस्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इफ यू ट्रांसफर दी इमूवेबल प्रॉपर्टी और राइट्स और इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं कन्विंसिंग समझ आया कोई डाउट है स्ट्रिक्ट सेंस में अगर हम टोपा या इसको लेके बात करें तो कन्विंस मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करने जा रहे हो तो उसके लिए जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया वो क्या है आपने क्या करा है कन्विंसिंग करी ठीक है या फिर मैंने मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको रेंट पे दी तो थोड़ा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया राइट टू यूज आपको ट्रांसफर किया रेंट अग्रीमेंट बनेगा तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो या इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ राइट्स या इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर करते हो तो वो डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है कन्विंसिंग आया समझ में कोई डाउट है ये आपका एक नैरो डेफिनेशन है बट हम ड्राफ्टिंग में इसको एक जनरल सेंस का मीनिंग लेंगे दैट इज स्ट्रिक्ट आपका ये बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जनरल सेंस में इस सब्जेक्ट में आपको कन्विंसिंग किसको मानना है तो कन्विंसिंग मीन्स व्हेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और सेम राइट्स और इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट इज नोन एज व्हाट कन्विंसिंग प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं लिखी मैंने ऊपर स्ट्रिक्टली लिखी थी कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी इधर मैं क्या लिख रही हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बी मूवेबल मेड बी इमूवेबल इफ यू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको हम बोलते हैं कन्विंसिंग या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी या मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी पर कुछ राइट्स उस प्रॉपर्टी के आपको ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके लिए अपन कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट बोला क्या जाता है कन्विंसिंग क्लियर हुआ कोई डाउट है स्ट्रिक्ट सेंस में वैसे कन्विंसिंग का मीनिंग ये होता है पर जनरल मीनिंग अगर हम कन्विंसिंग का देखेंगे तो इट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं मेड बी मूवेबल और इमूवेबल इफ यू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और इफ राइट्स वेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो जिस डॉक्यूमेंट को बना के आप ट्रांसफर करते हो दैट इज नोन एज व्हाट कन्विंसिंग आया समझ में कोई डाउट है इसमें ठीक है एक और टर्म इधर तक नहीं है ना कोई डाउट अच्छा कन्विंसिंग इज अगेन डिफाइंड ठीक है इट इज डिफाइंड अपन नोट्स में मैं लिखवाऊंगी आपको अगर ये बनाना है तो बाद में बना लेना मैं नोट्स भी लिखवाऊंगी इसके ठीक है कन्विंसिंग इज डिफाइंड अंडर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ठीक है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इट इज डिफाइंड अंडर टोपा ऑल्सो ठीक है ये आपको मैं वहां पे लिखवा दूंगी कौन सा सेक्शन है कौन सा सबसेक्शन है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो कन्विंसिंग को क्या करता है डिफाइन ये दोनों हो गए ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग अब थर्ड एक वर्ड समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ठीक है अगेन ये भी हमने पढ़ा हुआ है पर इसको देखो कन्विंसिंग में मैंने आपसे क्या बात करी कि जब हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या उसमें वेस्टेड राइट्स किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं कन्विंसिंग क्लियर हुआ तो उस डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट होगा उसको क्या बोलते हैं कन्विंसिंग तो एक वन साइडेड बात की है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को क्या ट्रांसफर कर रहा है कोई चीज दैट इज प्रॉपर्टी मेड बी मूवेबल और इमूवेबल कॉन्ट्रैक्ट सेज इट शुड नॉट बी वन साइडेड हियर वी टॉक अबाउट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस अभी ध्यान से देखना रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या मतलब जब मैंने बोला इस बंदे ने एक्स ने अपना ये घर रेंट पे दिया किसको वाई पे वाई को तो कन्विंसिंग है पर बदले में इसने इससे क्या
लेने का वादा क्या है? रेंट. तो अब ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट. आया समझ में? सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कन्विंसिंग में जब आप जिसको जो चीज दी है ना उससे रिटर्न कुछ आप ले रहे हो, दैट इज व्हाट? कंसिडरेशन. क्या ले रहे हो आप उससे? कंसिडरेशन. तो ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट. आया समझ में? नहीं आया? आया कि नहीं? फिर से समझाऊं? देखो, कन्वेंसिंग में आपने क्या बात की? इफ यू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी और राइट्स वेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी. क्यों ट्रांसफर की बात की? लाइक गिफ्ट, गिफ्ट डीड. तो गिफ्ट डीड आपकी किसमें आ गई? कन्वेंसिंग में. पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर मैंने इसको कुछ ट्रांसफर किया ना, तो रेसिप्रोकल बदले में ये मुझे क्या देने वाला है? दैट इज कंसिडरेशन. व्हाट इज कंसिडरेशन इन एक्सचेंज? जब आप कुछ लेते हो तो अगर कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी मेंशनड है कि आप सामने वाले से क्या ले रहे हो, तो वो ही चीज उसको बाद में क्या बोलने लगते हो आप? कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक हम ड्राइंग बनाते हैं, दैट इज ये आपका ड्राफ्टिंग हो गया. मच वाइडर, हर लीगल डॉक्यूमेंट आपका क्या बोला जाएगा? व्हाट इज ड्राफ्टिंग? आर्ट ऑफ मेकिंग लीगल डॉक्यूमेंट. पढ़ाया ना? इट इज आर्ट ऑफ मेकिंग लीगल डॉक्यूमेंट. जब आप अपने नॉलेज को, किसके नॉलेज को? लॉ के एंड फैक्ट्स के लैंग्वेज फॉर्म में उतारते हो, लिखते हो, तो वो क्या बन जाता है? ड्राफ्टिंग. तो ये पूरा क्या हो गया? मैंने बोला ये है आपका ड्राफ्टिंग. क्लियर हुआ? ड्राफ्टिंग के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स को कन्विंसिंग बोलते हैं? तो मैंने बोला वो डॉक्यूमेंट्स को कन्विंसिंग बोलते हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी को मेड बी मूवेबल, और जनरल सेंस का डेफिनेशन लेना है, मेड बी मूवेबल और इमूवेबल, वो ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या उसमें जो राइट से इंटरेस्ट है वो किसी, लाइक लीज पे देते ना. तो अगर मैं इधर की ओनर हूं और एज को मैंने लीज पे दी है, तो मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, पर एक उसका इंटरेस्ट, क्या? राइट टू यूज. तो जब आप जो लीज डीड बनेगी वो किसमें आती है? वो मानी जाएगी कन्वेंस में. इतना समझ आया? उसके अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट. ये हो गया कन्वेंसिंग, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कन्वेंसिंग में आप देने की ही बात करते हो. जब बदले में क्या मिलेगा सामने वाले से? रिटर्न, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस. ठीक है, तुम मुझे घर दे रहे हो, मैं तुम्हें बदले में ये दूंगी, ये प्रॉमिस है. तो कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस आता है. तो अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस कन्वेंस में जुड़ गई, तो वही डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. इन शॉर्ट, ये बड़ा वाला इज इक्वल्स टू ड्राफ्टिंग. ठीक है, देन सर्कल इज कन्वेंसिंग एंड ट्राइंगल इज कॉन्ट्रैक्ट. आया समझ? कोई डाउट है इसमें? क्या क्या? एक्सेप्टेंस का आएगा, आएगा कवेनेंट्स में, ऑपरेटिव पार्ट में आएगा. मैं समझाऊंगी पर आएगा. एवरी, ये आप बताओ, एवरी कन्वेंस कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं. गिफ्ट डीड, गिफ्ट में मैंने आपको गिफ्ट दी, तो आप बदले में मेरे को कुछ दोगी जरूरी नहीं है ना. तो गिफ्ट की अपनी डीड बनी, तो इट इज मेयर कन्विंस, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर हुआ? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज कन्विंस, पर अगेन कौन से वाले? जिसमें आप प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो? ट्रांसफर. आया समझ में? कोई डाउट है इसमें? पक्का नहीं है? पक्का नहीं है डाउट? अच्छा, अब एक और समझ लेते हैं, फिर अपन इकट्ठा लिख लेंगे. ये लिखना है आपको, ये वाला शॉर्ट में, रफ में आपने लिए. चलो नेक्स्ट है आपका, एक और समझते हैं, दैट इज वन मोर डिफरेंस, दैट इज डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड. डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड. ठीक है, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड. व्हाट इज डॉक्यूमेंट? क्या होता है डॉक्यूमेंट? कुछ भी जब आप किसी भी तरह से लिखते हो, ठीक है, किसी पे भी, इफ यू राइट समथिंग ऑन एनी सब्सटेंस, नॉट ओनली ऑन पेपर, ठीक है, यू एक्सप्रेस समथिंग, लाइक मैंने लिखा इस फैन पे लिखा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये डॉक्यूमेंट है? यस. वट एवर इज रिटन ऑन एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या बन जाता है? डॉक्यूमेंट. जनरली अपन क्या सोचते थे कि नहीं यार, डॉक्यूमेंट मतलब पेपर फॉर्म में. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, कोई भी ऐसी चीज जिसपे कुछ लिखा हो या कुछ एक्सप्रेस्ड हो, रिटन और एक्सप्रेस्ड. एक्सप्रेस कैसे हो सकता है? लेटर से, पिक्चर से, मार्क्स से, इस पे लोगो है सीजी का, तो
फिर उस केस में क्या बन गया, डॉक्यूमेंट, ठीक है। ट्यूबलाइट पे लिखा है फिलिप्स, डॉक्यूमेंट। आपके नोट्स में कुछ लिखा है, डॉक्यूमेंट। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट, अगर कुछ भी लिखा है या एक्सप्रेस्ड है थ्रू लेटर्स, थ्रू फिगर्स, थ्रू मार्क्स, वो क्या बन जाता है, डॉक्यूमेंट। आया समझ में, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट हो गया। अब आते हैं कि नेक्स्ट क्या है, डीड, सॉरी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है आपने इंडियन स्टैम्प एक्ट में, मैं बताती हूं आपको, इंडियन स्टैम्प एक्ट में पढ़ा है आपने कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आता है किसी को ना, तुम ही बोले थे ना, बोलो बोलो, सही बोलो, एक मिनट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप राइट्स क्या करते हो, राइट्स क्रिएट, ट्रांसफर, एक्सटेंड, ऑल्टर और लिमिट और एक्सटिंग्विश। एक्सटेंड लिखा था ना, डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, एनी डॉक्यूमेंट थ्रू विच यू आइदर क्रिएट द राइट फॉर अनदर पर्सन, यू आइदर ट्रांसफर योर राइट्स टू अनदर पर्सन, यू आइदर एक्सटेंड योर राइट्स टू अनदर पर्सन, यू आइदर ऑल्टर योर राइट्स, यू आइदर लिमिट योर राइट्स, यू एक्सटिंग्विश द राइट्स, वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट। पढ़ा था अपन ने इंडियन स्टैम्प एक्ट में कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे मैं राइट ट्रांसफर कर रही हूं फ्रॉम लाइक सेल डीड, इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, है, बिकॉज मैं अपना घर आपको सेल कर रही हूं। एब्सोल्यूट राइट जो मेरे थे उस घर पे, अब वो मेरे नहीं रह जाएंगे, किसके हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। तो एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर हुआ तो सेल डीड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। व्हेन एनी डॉक्यूमेंट के थ्रू जब आप राइट्स को क्या करते हो, ट्रांसफर कर रहे हो, डेफिनेशन में आ रहा है ना ट्रांसफर वर्ड, तो वो क्या बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट। पता है? तो अगर मैंने ना ये पूरा डॉक्यूमेंट है, क्लियर है, कहीं भी कुछ भी, इस पे लिखा है तो ये डॉक्यूमेंट है, लाइट पे लिखा है तो ये डॉक्यूमेंट है, कैमरे पे लिखा है तो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, ये होंगे इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिनके थ्रू आप राइट्स को क्रिएट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, व्हाटसएवर, वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हुआ, कोई डाउट है? इसी के अंदर एक आएगा डीड्स। क्या आएगा, डीड्स। और डीड्स कुछ भी नहीं है, क्या है डीड्स, इंस्ट्रूमेंट। डीड तब कहलाएगी जब ये एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड एंड सील्ड प्लस इट शुड बी डिलीवर्ड। तो ये बन गया डीड। ध्यान से देखना, व्हाट इज डीड, डीड शुड फर्स्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, यानी ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट पर जिससे राइट्स क्रिएट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो डीड मेरे को बनने के लिए पहले क्या बनना जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन रिटन फॉर्म। अच्छा, रिटन है एंड शुड बी साइंड, साइंड बाय होम, जो पार्टीज इन्वॉल्व है उस इंस्ट्रूमेंट में, लाइक सेल डीड में कौन कौन होगा, सेलर एंड बायर। तो इट शुड बी इंस्ट्रूमेंट प्लस इट शुड बी रिटन प्लस इट शुड बी साइंड। अच्छा, सील्ड क्यों लिखा, अगर एक पार्टी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो कंपनी, तो कंपनी में आप अपना क्या भी लगाओगे, आपका सील भी लगाओगे, तो इट शुड बी साइंड एंड सील्ड प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट शुड बी डिलीवर्ड। डिलीवर्ड टू होम, वन पार्टी शुड गिव इट टू अनदर। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसको बोला जाता है क्या, डीड। एंड फॉर योर सब्जेक्ट दिस वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट में फर्स्ट 7 चैप्टर्स में डीड्स ही देखनी है, ट्रस्ट डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड। तो डीड क्या है, अगेन मैंने बताया डीड कैसे देखोगे, क्योंकि आपके बुक में लिखी हुई है, राइटिंग में है, उसके थ्रू आप राइट्स ही ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब है तो इंस्ट्रूमेंट, रिटन है इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, डीड। अच्छा, उसमें साइन का भी जगह होता है नीचे लास्ट, उसमें तो साइन या सील की भी जगह है, और अगर आप वो डिलीवर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आया समझ। इसका भी ये बना सकते हैं हम ऐसा, क्या
क्योंकि डॉक्यूमेंट तो बहुत वाइडर टर्म है मैडम, उसमें से इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये, जिनके थ्रू आप क्या राइट्स को क्या करते हो, क्रिएट, एक्सटिंग्विश, ऑल्टर वगैरह, एंड उसमें से मैडम डीड वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स रिटन होते हैं, साइंड होते हैं, सील्ड होते हैं, एंड क्या किए जाते हैं, इट शुड बी डिलीवर्ड टू द प्रॉपर और अप्रोप्रिएट पार्टी. डाउट आया समझ में? समझ आया? पक्का नहीं है डाउट? ओके, अब अपन पहले इनके नोट्स लिख लेंगे कि शॉर्ट नोट्स ऑन डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड डीड्स. शॉर्ट नोट मतलब डेफिनेशंस. एंड अगेन फॉर दिस आपका ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन द टू विल राइट. ठीक है, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस एंड ड्राफ्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट. देयर आफ्टर विल राइट अबाउट द प्रिंसिपल्स. सुन लो एक बार, प्रिंसिपल्स विच अ ड्राफ्ट्समैन शुड कीप इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट. ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, अच्छी चीज क्या है, इस चैप्टर में से हर टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, मतलब आ सकता है, सबसे आ चुका है, तो सारे क्वेश्चंस मेरे पास रेडी हैं. अपन टॉपिक वाइज लिखते जाते हैं तो आपका कुछ भी इसके बाहर से आएगा नहीं. ठीक है,
चलो देखो अभी इसमें लुक हियर, बस 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 स्टॉप टॉकिंग. ये डीड्स का जितना बचा हुआ पार्ट और है वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन आएंगे अब डीड्स कैसे ड्राफ्ट की जाती है. सो डू यू वॉन्ट अ ब्रेक बिफोर इट और आफ्टर इट? आफ्टर दिस बिफोर इट, राइट. चलो नाउ सम अदर टर्म्स इन डीड इम्पोर्टेंट फॉर 3 to 4 marks इंडिविजुअली, ऑल टूगेदर 3-3 marks की भी आ सकती है, 3 terms भी आ गए तो 9 marks होते. सो डीड पॉल क्या होता है? डीड पूल, इंडेंचर, साइरोग्राफम, डीड एस्क्रो. समझ लेते हैं. डीड पॉल मतलब डीड मेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ सिंगल पार्टी, पावर ऑफ अटोर्नी. ठीक है, तो अगर पावर ऑफ अटोर्नी फर्स्ट पर्सन में बनती है, ठीक है, मतलब मैं अगर पावर दे रही हूँ आपको, वॉट इज पावर ऑफ अटोर्नी? कि आपको मैं ऑथराइज कर रही हूँ कि मेरे पास जो पावर्स थी उसको आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटोर्नी, जनरल एंड स्पेशल. अगेन अपने ड्राफ्टिंग में वापस से आएगा थ्योरी पार्ट, तो वहां पढ़ेंगे डिटेल में. बट पावर ऑफ अटोर्नी में हमेशा फर्स्ट पर्सन में बनती है, तो आए ये वाले वर्ड्स यूज होंगे. एंड जो सिंगल पार्टी है उसमें और फर्स्ट पर्सन में जो वो रहता है डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोला जाता है? डीड पॉल. पर डीड पॉल में क्या होता था, ये पहले बनते थे, ये सब अब कुछ नहीं बनता है, पर आपको टर्मिनोलॉजी है इसलिए अपने को समझना पड़ेगा कि जो पेपर होता है ना उसका, वो ऐसा स्ट्रेट नहीं होता, मतलब रेक्टेंगल नहीं होता, ये एजेस से कटा हुआ रहता है. सर क्लियर हुआ? लिखा हुआ है ना, हैव अ पॉल्ड और क्लीन कट एजेस, बाकी सब सेम होता है. बट इसमें अगर आपने ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई तो ये टाइप की डीड क्या बोली जाती थी? डीड पॉल. क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? डीड पॉल समझ आया. नेक्स्ट है डीड पूल. डीड पूल क्या बोलते हैं? डीड बिटवीन टू और मोर पार्टीज, लाइक पार्टनरशिप डीड. ठीक है, चार पार्टनर्स मिल रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड बनेगी कुछ बिजनेस करने के लिए. तो जितने पार्टीज उतनी कॉपीज ओरिजिनल होनी चाहिए. ठीक है, चार पार्टनर है तो हर एक पार्टनर के पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, कोई भी फोटो कॉपी रख के नहीं बैठेगा. तो दिस इज डीड बिटवीन टू और मोर पार्टीज, नंबर ऑफ कॉपीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीज, जितने पार्टीज उतनी कॉपीज बनना जरूरी है. सो दैट ईच पार्टी कैन हैव पोजिशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी. कल को कोई भी दिक्कत आए, डिस्प्यूट होती है, तो सबके पास अपनी ओरिजिनल कॉपीज होनी चाहिए. इस अरेंजमेंट को बोला जाता है डीड पूल. पूल मीन्स कमिंग टूगेदर. सो ऑफ ऑल द डीड्स नंबर ऑफ कॉपीज इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टीज, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट? डीड पूल. इजी है? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट इंडेंचर. इंडेंचर कुछ नहीं, डीड्स विच हैव टू और मोर पार्टीज रिटन इन डुप्लीकेट ऑन वन पीस ऑफ पार्चमेंट. पार्चमेंट इज टाइप ऑफ पेपर, थिक पेपर. आपने देखा स्क्रॉल्स आते हैं इन्विटेशन कार्ड्स वगैरह जिसपे लिख रहे थे खोल के, तो उसमें एक थोड़ा थिक पेपर होता है ना, दैट इज पार्चमेंट. तो जब ध्यान से देखो इधर, जब कोई डीड, जब ऐसे पार्चमेंट पेपर मतलब थिक पेपर पे कुछ लिखा, ठीक है, इस पेपर को पहले दो में डिवाइड किया, ठीक है, इस पेपर को दो में डिवाइड किया, जो चीज यहां लिखी वही चीज यहां लिखी, दो पार्टीज है मान लो, ठीक है, पेपर को डिवाइडेड इनटू टू. फर्स्ट पार्टी के लिए मैटर यहां लिखा, सेकेंड पार्टी के लिए मैटर सेम मैटर यहां पे लिखा, और बीच में से उसको टेयर किया अनइवनली. तो दिस इज डीड्स विच हैव टू और मोर पार्टीज रिटन इन डुप्लीकेट अपॉन वन पीस ऑफ पार्चमेंट. ये पार्चमेंट है, थिक पेपर, ठीक है. एंड टू पार्ट्स वर सेवेड सो एज टू लीव एन इंडेंटेड और वेरी एज. फाड़ना है उसको, उसको सीजर से काटना नहीं है, उसको आपको टियर करना है ताकि वो थोड़ा सा अनइवन सा कटे. अच्छा, एक पार्ट मेरे पास रख लूंगी मैं और एक पार्ट अगर ये पार्टी है तो इसको दे दूंगी. कल को से आफ्टर 2 years हम मिलते हैं और ये बोलता है कि नहीं ओरिजिनल मेरे पास है, मैंने ओरिजिनल तो तुम्हारे पास होगा ही नहीं, तुमने घुमा दिया था. बोले है अपन एक काम करते, इंडेंचर बनाया था अपन. इंडेंचर बनाया था मतलब अब एक पार्ट इसके पास था और एक पार्ट किसके पास है? मेरे पास. हम जब वो टियर्ड पार्ट को कंबाइन करेंगे ना तो वो एक वापस से एक पेपर बन रहा होगा. आया समझ में? कोई डाउट है इसमें? इंडेंचर समझ आ गया अच्छे से. नेक्स्ट है आपका साइरोग्राफम. ये कुछ भी नहीं है, इंडेंचर ही है, बस डिफरेंस क्या है, ये आपका यहां से मैंने टियर किया ना, ठीक है, तो इधर लिख दूंगी साइरोग्राफम. कुछ कुछ आगे इधर आ रहा है कुछ ऐसा, मतलब पूरा पेज में साइरोग्राफम. आप इधर से टियर किया तो सी का आधा पार्ट से इधर चले गया, इधर इधर आ गया सी का,
वाई का इधर ये चले गया, ये बाकी इधर आ गया। तो जब आप बीच में से काटोगे ना, वहां पहले काटने से पहले आप क्या लिख दो, साइरोग्राफेम, और फिर उसको टियर करो, तो साइरोग्राफेम से और ज्यादा आपका क्या फॉर्जरी होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप जब उसको दोनों को जोड़ोगे तो पेज तो ठीक है जुड़ना जुड़ता दिखना चाहिए जैसे पजल्स को जोड़ते वैसे, और बीच में साइरोग्राफेम वर्ड भी एज इट इज बनना चाहिए। अगर वर्ड एज इट इज नहीं बन रहा तो डॉक्यूमेंट को जोड़ के दोबारा ले रहा कि आपने फॉर्जरी करी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके नहीं आए।